आज पिछले कई दिनों से हमारी भारतीय किसान एकता की टीम गांव-गांव जाके हमारे किसानों की समस्या को समझते हुए 7 तारीख का प्रदर्शन का जो समय रखा गया था उसमें पूरे जिले भर के किसान पंजाब के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से और फतेहाबाद के बॉर्डर से, जिंग मंडी से सारे इकट्ठे हुए हैं। सभी इकाइयाँ भारतीय किसान एकता के गाँव के आई हुई हैं। हमारी समस्या सबसे पहली बड़ी समस्या बीमा क्लेम की है। बीमा क्लेम 2020 अभी भी जो डाला गया है तो रो रो के पहले तो दिया है, अब भी जो 111 गांव का डाला है उसमें भी जो है भद्दा मजाक करते हुए बहुत कम अमाउंट खाते में डाला गया है। 2021 का बीमा क्लेम भी कई जो जैसे सिरसा में एक नाम के 2 गांव हैं उनकी समस्या को लेते हुए बैंकों की कमी के कारण बीमा क्लेम नहीं दिया गया है। अगर पड़ोस में अगर 2 गांव हैं, एक गांव में उसके आधार कार्ड है, जैसे खेवाली रोणावाली का एग्जाम्पल ले लो, रोणावाली में उसका रकबा है तो खेवाली का आधार कार्ड है तो उसको भी जो है बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो बैंक की कमी है, किसान की नहीं है, किसान ने अपना प्रीमियम दिया है। उसके बाद बीमा क्लेम के अलावा मुआवजा जो 258 करोड़ रुपए बहुत दिनों से जो पास हुआ हुआ है, बिल्कुल जो है बांटने की देरी है, वो सरकार क्यों नहीं दे रही उसके लिए। एक बिजली विभाग की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली के कनेक्शन बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हैं, सिक्योरिटियाँ भरी हुई हैं, हम 2014-15 से सिक्योरिटियाँ भरी हैं, उसको किसान को जितना लेट हुआ है उसका ब्याज मिले। और बीमा में भी हम कहते हैं जितना प्रीमियम जो क्लेम है लेट हुआ है तो उसका भी ब्याज मिलना चाहिए। जो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं उस पर सभी शर्तें हटानी चाहिए। काडा के अधीन जो खाले जो है बंद करके पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं उसका लेवल ठीक ना होने की वजह से किसान परेशान है। उसके अलावा नहरी विभाग है जो पूरे जो है दफ्तर में बैठकर बिल पास कर दिए जाते हैं, किसी भी नहर की सफाई नहीं की जाती जिससे कि टैल तक पानी नहीं पहुँचता है, वो बहुत बड़ी हमारी किसान की समस्या है। अब मौजूदा समस्या जो गेहूँ का हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी उसका भी अभी तक जो है बीमा क्लेम और मुआवजा बकाया है। अब मौजूदा हालात यह हैं जो हमारी फसल नरमा ग्वार मूंग कपास की फसल है वो भी भारी बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है और उसका स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए और जिसका बीमा है उसका बीमा दिया जाए। ग्वार और मूंगफली बीमे के दायरे में ली जाए, वो बीमे के दायरे से बाहर है। और हमारे को समय पर खाद की व्यवस्था की जाए, पानी टेलों तक पहुँचाया जाए, जो हमारी ढाणियाँ हैं उसको भी 24 घंटे लाइट दी जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए हर विभाग में, और सबसे बड़ी समस्या जिससे हमारी जवानी खत्म हो रही है नशे की समस्या है उसके ऊपर भी एक दीवारों पर लिखाकर एक अखबारों में विज्ञापन देकर या बड़े बड़े दावे कर नशा नहीं खत्म होता। किसी भी गांव में नशे के ऊपर कोई रोकथाम नहीं लगी, पुलिस प्रशासन और सरकार नहीं चाहती कि नशा बंद हो, क्योंकि नशा बंद होगा तो हमारे जवान पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी मांगेंगे, काम मांगेंगे, काम इन्होंने देना नहीं है। तो ये सभी बातों को लेकर आज पूरे जिला भर के किसान इकट्ठे हुए हैं और आज इन मांगों को रखेंगे। अगर हमारी सभी कल ही हमने सभी अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं बिजली बोर्ड असली सभी को यहाँ पे बुलाया था, भी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्या को लेकर इस चीज़ के लिए बुलाया गया है। इस लिए सभी अधिकारी अगर आ जाते हैं हमारी बात होती है और बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पक्का मोर्चा यहाँ लगाएंगे ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ यहाँ।